स्टार्ट में जाए तो लगभग स्टार्ट करते हैं, तो अभी जो है आज है मंडे, तो बाकी सब कुछ करने के बाद तैयार व्यार होने के बाद मैं निकलती हूँ क्लास के लिए, क्योंकि बस तो आ गई थी मुझे पता ही नहीं बस कब आई है, मैं लेट हो जाऊँगी बाकी भैया चलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अभी हम बस में तो आ चुके हैं, जल्दी से पहुँचते हैं क्लास के लिए, टाइम होने वाला है क्लास में। चलो मैं क्लास तो आ चुकी हूँ, बाकी आज सर नहीं आए हमारे, तो मस्त हम लोग अभी अपना जो भी पेंडिंग काम है वो करेंगे, या फिर ऐसे ही मस्त आपस में बातें करेंगे, ये सब हो सकता है आज, क्योंकि पता ही नहीं था मुझे निकलना नहीं आती है। मेरे नाना नानी पे और आप लोग के लिए कोई सरप्राइज भी देंगे मेरे पास, क्योंकि हमारे घर में कुछ नई चीज़ हुई है वही दिखाऊँगी मैं आप लोगों को, बाकी अभी तो घर पर जाऊँगी तो वो सरप्राइज आप लोग को दिखाऊँगी। तो बाकी मेरे नाना नानी भी आए हुए हैं, उनको बोल के आई हूँ जाना मत, क्योंकि जब मैं क्लास आ रही थी ना तभी उसे थोड़ी देर पहले आया था, मैं बोला मैं क्लास हो गया तो फिर जाना मत, मैं उनको रोक के आई हूँ, मैं अंदर बैठी हूँ, मस्त बोर हो रही हूँ। क्या अच्छा तू मेरा सपोर्टर है, ये मेरा सब्सक्राइबर, ओह थैंक यू सो मच। तो इसका नाम जो है ना अनस है, अनस ही है ना, हाँ देखा नाम याद है मुझे। बाकी अभी टाइम होने वाला है क्लास ओवर होने का, बाकी उनका तो कोई भी नहीं है, अब कोई भी नहीं है क्लास में, सारे चले गए, तो भी चलते हैं नीचे जाके बस पकड़नी पड़ेगी, फिर सुबह घर जाएंगे। चलो चलते हैं, है अच्छा अच्छा अबे यार मेरा कैमरा मैन बनने को तैयार हो रहा है अनस में, है भाई सही में बढ़िया मस्त, अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाऊंगी मेरे में। अरे चल फोटो तो मेन होते हैं, छुट्टी होने वाली है, 5 मिनट रह गए मेरे ख्याल से 5:30 बजे में हो गई, चलो चले फिर हो गई छुट्टी, बाहर आ चुके हैं जा रही हूँ बस स्टॉप के, बस का वेट करेंगे, बस तो दिखी नहीं रही अभी तो कहीं से भी आती है, बस वेट करते फिर चलते हैं घर। बाय बाय बाय। मैं नाना नानी जा चुके हैं, मैं जब आई मैं उनको रोक के गई थी, फिर नाना नानी से मैंने थोड़ी दूर बातें की क्योंकि मैं कर सकी, मैं तो उनको रोक रही थी, मैंने बोला रुक जाओ, लेकिन वो रुक गया नहीं यार। बाकी ये जो मेरा बैकग्राउंड है आप लोगों को चेंज दिख रहा होगा, अब हमारा घर जो है ना मड हाउस में बदल चुका है, हमारा घर मिट्टी का हो चुका है पूरा का पूरा, मैंने अपना घर शिफ्ट कर लिया है, मैं मड हाउस में रहने लग गई हूँ जब से पापा ने कल से ये जो चेंज किया है ना हमारी दीवारें, वो ना थोड़ा सही होने लग रहा था, और ऊपर से फिर अभी 12 फाट भी आ रही है, 29 तारीख की है मेरे ख्याल से 12 फाट, तो इस वजह से, और क्योंकि घर की सफाई वगैरह भी करते हैं ना सारे पूरे घर की, तो उसी में घर सही नहीं लग रहा था सारा, वही सीलन की वजह से ख़राब हो रहा था, तो उसकी वजह से पापा ने ये वाला कलर कर दिया, और इससे ना इसके बाद होने के बाद हम सारे अपने घर को मिट्टी का घर रहना बोल रहे हैं, मेरा भाई भी यही कह रहा है कि मिट्टी के घर में रह रहे हैं हम, मेरी मम्मी भी यही कह रही है और मैं भी यही कह रही हूँ, तो ये हमारा घर चुका है मिट्टी के घर में बदल चुका है, मतलब अपग्रेड कराया हमने, लोग तो अपग्रेड करके पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, हम पहुँचे हैं मिट्टी के घर में, तो हम मड हाउस में रह रहे हैं। तो अब लोग ये वाला पेंट कैसा लग रहा है आप लोग बताना, मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला भी पिंक वाला भी अच्छा लगता है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज हो गया, तो अभी सब ने उन्होंने सोचा कि ना मम्मी और मैंने पापा ने कैसा डेकोरेट भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो अभी देखते हैं जैसे जैसा जो भी होगा ना मैं सब कुछ आपको दिखाती रहूँगी। आज इसकी आए जा रही बार बार, तो बाकी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला पेंट मड हाउस हमारा, बाकी अभी मुझे अपना पेपर भी आने की तैयारी करने की, उसको पेपर है अच्छा लग रहा है, और लोग बताना मुझे कमेंट में कि ये वाला पेंट हमारे घर का कैसा लग रहा है, और उसको हमें कैसा डेकोरेट करना चाहिए। बच्चा
अभी उसने लिया है, यहाँ पे तो सानिया है और इधर की तरफ आया हमारा उबेश भाई। कहाँ चले गए? अबे उबेश भाई तो कैमरे में नहीं समा रहे। ये रहा भाई। बाकी यहाँ पे हमारी टैलेंट भी नीचे उतर गया। क्या क्यों बैल बजाएगी भाई? इसकी बैल नहीं खत्म होती है। बैल ओ फोर बटन तो लगा लेती। आयान ब्रदर आज पूरा तैयार होकर बैठा है। हम अच्छा अच्छा जूते उता सब पहन गए। हाँ भाई अजमल तेरे जूते भी पहने हैं? हाँ वही ना, ये मैंने पहना हुआ था। ये मेरी टी-शर्ट है। ये देखो डेनिम। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? चले चलो जाओ दावत पेल के आओ। ब्रदर आ चुका है आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के अकेले अकेले। अरहान इधर देख भाई बढ़िया। अरे बनाया तो यार, तेरा इंतजार था तू कब आएगा। हाँ बनाया है? बनाया। अच्छा सामने देख के बोल यार। पारम, पहले पहले फुल पारम में गई थी, मैंने वीडियो देखी। अच्छा देखी थी? अच्छा भाई हमारा अरहान एक भी वीडियो नहीं छोड़ता, सारी वीडियो देखता है ना। अच्छा जा हाथ नहीं मिलाएगा यार आज तू। हेलो शाना क्या कर रहा? बढ़िया बढ़िया ऐसे कर बढ़िया। ये बॉडी दिखा बॉडी। ओह तू भी दिखाएगा बॉडी। ये अरहान की बॉडी। ये ओफो गिल्ली डंडा है तेरे पास? ओहो आज तो आज ने अपना लट्टू छोड़ के ले आया गिल्ली डंडा। लट्टू कहाँ है तेरा? इससे क्या होता है? इससे खेला जाता है। लट्टू कहाँ है तेरा? मेरा घर पे। अच्छा टूट दिया नहीं है? अच्छा मोहरम वाला है मेरे पास। अच्छा और लाठी भी है मेरे पास मोहरम वाली है। आकाशान खेला है गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा सॉरी गिल्ली। ये लगी नहीं सही से खेल यार उसके मारे। और ये हमारी गली का बॉडी बिल्डर है। हाँ भी बॉडी बिल्डर। ये अपने पैरों पे पत्थर फेंकता है ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी फेंक के दिखाएगा अपने पैरों पे। अबे ओ देख इधर। हेलो वे कुछ भी नहीं होता। हेलो क्या बनेगा अरमान? तू क्या बनेगा? फौजी अपनी देश की रक्षा करने के लिए। अच्छा तू क्या बनेगा? मैं भी फौजी देश की रक्षा के लिए तेरे आतंकवादी को मारने। अच्छा भाई यहाँ पे मिनी मिनी फौजी हैं। अच्छा कशान जय हिंद तो कर दे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ओहो भारत माता की जय। अरे बस 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 भाई यहाँ पे देश वो है सच्चे देशभक्त। ये क्या खेलते खेलते लड़ाई क्यों होने लगी? चप्पल दिखाने लग गए रखते थे तेरे को। मारा, 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 मारा,
अरे अल्लाह अकबर भी तो बोलो। अल्लाह अकबर। ओ भाई अब यहाँ पे मुहर्रम आ गए। हाँ बड़ी जोश में नारे नारे लग रहे हैं यहाँ पे। हो रही थी भी लड़ाई, जो इतनी सारी भीड़ हो रही है ना इसीलिए हो रही है। यहाँ पे हो रही थी भी मस्त लड़ाई बड़ी तेज तेज। पूरा ये एरिया ना पूरा भर चुका था एकदम से, है ना भाई। बड़ी भीड़ लग गई थी पूरे एरिया में, इस वाला पूरा एरिया ब्लॉक हो गया था एकदम से। ज्यादा पब्लिक आ गई थी एकदम से, इधर इस होटल वाले से हो रही थी ना। हम लोग बाहर थे तो एकदम से लड़ाई होने लगी। भाई मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है, होटल वाले से लड़ाई हो रही है मस्त। फिर मैंने अपना फ़ोन मंगाया, घर ऊपर में बैठे हुए थे तो चार्जिंग लगाने के लिए भेज दिया था। फिर तो मैंने फ़ोन मंगवाया, थोड़ा सा तो कैप्चर करूँगी लड़ाई को। जब तक लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी पूरी, उठी पूरा पूरा में भीड़ बन गई थी बिल्कुल ही। पता नहीं क्या हो रहा, लड़ाई होती तो यहाँ पर ही भाई ऑडियंस बहुत सारी आ जाती देखने के लिए। लड़ाई दो लोगों में हो रही थी, ऑडियंस इतनी सारी आ गई, कुछ कहने की बात नहीं। बाकी चलो आज कल लोग बस इतने आसान कर। बाय बाय।